हेलो एवरीवन टुडे वी डिस्कस ई कॉमर्स ई कॉमर्स सेवन सेमेस्टर का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है बेसिकली ई कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको शॉपिंग करना है शॉपिंग करने के बाद हमको कैसे उस प्रोडक्ट को सेल कराना है सेल करने के बाद हमको उसका पेमेंट कैसे करना है पेमेंट को रिसीव कैसे करना है और इस पूरे मीडिएटर के लिए इस पूरे फीचर्स के लिए हमको क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करना है तो ई कॉमर्स मीन्स सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क मीन्स इस पूरी सर्विस को हम यूज़ कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का यूज़ कराते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हमारा इंटरनेट कहलाएगा और इस इंटरनेट के थ्रू हम अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑकर आइदर बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस टू कस्टमर कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस मीन्स इसमें फोर टाइप के मॉडल वर्क करते हैं बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस टू कस्टमर कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस उसके बाद ई कॉमर्स की कुछ टेक्नोलॉजी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फर्स्ट टेक्नोलॉजी रहती है कि इंटरनेट एंड इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट आर द फाउंडेशन ऑफ ई कॉम सेकेंड टेक्नोलॉजी रहती है कस्टमर्स मस्ट बी प्रोवाइड विद द रेंज ऑफ सिक्योर इंफॉर्मेशन मार्केटिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सर्विसेज थर्ड रहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज and internet mediums to use secure transactions. fourth technology, hai, companies employ depend on the variety of internet and intranet resources to communicate and exchange data in different type of sections. last service, है last technology, hai, information system professionals to use a variety of softwares and different type of tools to use and ट्रांसफर द डेटा इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सो ये टेक्नोलॉजीज़ हो गई हमारी इसके बाद कुछ इंसेंटिव रहते हैं ई e कामर्स के जिसमें हम बेसिकली तीन फीचर्स को यूज़ करते हैं फर्स्ट रहता है सलेक्शन एंड वैल्यू सेकेंड रहता है परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज थर्ड रहता है लुक एंड फेल इसके बाद कुछ ई e कॉमर्स के इंसेंटिव को एंगेज कराने के लिए हम ई e कामर्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं पब्लिसिटी के लिए पर्सनल अटेंशन के लिए हम वेबसाइट पब्लिशिंग यूज़ करते हैं कम्युनिटी रिलेशनशिप के लिए हम कस्टमर टू कस्टमर मॉडल यूज़ करते हैं या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं और सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी के लिए हम कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं इसके अलावा हमारी नीड्स ऑफ ई कॉम रहती है नीड्स ऑफ ई कॉम मीन्स ई कॉमर्स जब हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस के लिए तो हमको थ्री टाइप की सर्विसेज फोर टाइप की सर्विसेज यूज़ करना पड़ेंगी जिसकी हमको नीड रहती है फर्स्ट रहता है फ्री एंड फास्टर शिपिंग मीन्स हमारा जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं या हम परचेज करना चाहते हैं उसकी शिपिंग हमारी फास्ट होना चाहिए और वो शिपिंग कॉस्ट उसमें फ्री होना चाहिए सेकेंड रहता है कंज्यूमर ड्रिवन डिमांड एंड पर्सनलाइजेशन थर्ड रहता है ग्रोथ ऑफ गाइडेड डिस्कवरी फोर्थ रहता है बिजनेस विदाउट पॉडर्स एंड लिमिटेशंस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैन उसके बाद हमारे कुछ ई e कॉमर्स के एडवांटेजेस रहते हैं फर्स्ट एडवांटेज रहता है रिड्यूज पेपर वर्क रिड्यूज एरर रिड्यूज टाइम ईजियर एंट्री इंटू द मार्केट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाइडर एक्सेस टू असिस्टेंस एंड एडवाइस इम्प्रूव द प्रोडक्ट एनालिसिस एंड इंस्टेंट वर्ल्ड वाइड एवेबिलिटी मीन्स जिस भी प्रोडक्ट को हम सर्च कर रहे हैं वो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए और इज़िली अवेलेबल होने के बाद उसके फीचर्स अच्छे होना चाहिए अब हम देखते हैं ई e कॉमर्स को यूज़ करने के बाद इसका एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क रहता है जो बेसिकली डिपेंडेबल रहता है डिफरेंट टाइप की लेयर्स के ऊपर इसमें सिक्स लेयर्स पे ये आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क यूज़ होता है फ़र्स्ट होता है एप्लीकेशन सर्विस सेकेंड होता है ब्रोकरेज सर्विस ब्रोकरेज सर्विस मीन्स डेटा और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इसके अंदर आता है थर्ड होता है इंटरफेस एंड सपोर्ट लेयर्स फोर्थ होता है सिक्योर मैसेजिंग सिक्योर मैसेजिंग मीन्स सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज इसी के अंदर आता है उसके बाद रहता है मिडिल वेयर एंड स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट इंटरचेंज और लास्ट रहता है नेटवर्क इंफॉर्मेश इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक कम्युनिकेशन सर्विस अब वन बाई वन जब हम डिस्कस करेंगे तो फ्रेमवर्क ऑफ़ ई कॉमर्स के अंदर हमारा फर्स्ट जो लेयर रहती है एप्लीकेशन लेयर इसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं डिफरेंट टाइप के सर्विसेज जो डिफरेंट टाइप के मॉडल के लिए यूज़ की जाती है जैसा कि हमको पता है कि ई e कॉमर्स में चार मॉडल वर्क करते हैं फोर टाइप के मॉडल वर्क करते हैं बिज़नेस टू बिजनेस बिजनेस टू कस्टमर कस्टमर टू कस्टमर एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट ये फोर्थ लेयर में ये फोर्थ मॉडल में डेटा को एक्सचेंज कराने के लिए हम एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करते हैं सेकेंड जो लेयर होती है उसमें देखिए उसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज एंड मैनेजमेंट लेयर ये लेयर बेसिकली वर्क करती है अदर कंपनी से डील कराने के लिए और हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराने के लिए फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम अपने प्रोडक्ट का लो प्राइस रखते हैं फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्लाइंट के लिए प्रोवाइड कराते हैं फिर थर्ड जो लेयर रहती है उसमें हम वर्क करते हैं इंटरफेस एंड सपोर्ट सर्विसेज के लिए मीन्स इंटरफेस एंड सपोर्ट सर्विस मीन्स ये डायरेक्टरी सपोर्ट सिस्टम पर वर्क करता है और जनरली प्रोवाइड कराता है एक इंटरफेस ई कॉमर्स एप्लीकेशंस और डिफरेंट टाइप के कैटलॉग्स के लिए इसके बाद सिक्योर मैसेजिंग लेयर जो बेसिकली वर्क करती है ई और डेटा एक्सचेंजिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा डॉक्यूमेंट को इंटरचेंज कराने के लिए फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर या वन सर्वर से अदर टाइप के क्लाइंट्स के लिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है मिडिल मिडल वेयर सर्विसेज इसमें बेसिकली हम नेटवर्क पर वर्क करते हैं ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कराता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम और वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गनाइजेशन इसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज करते हैं फॉर इंटीग्रेटेड डेटा ट्रांसफ़र कराने के लिए या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से डील करने के लिए इसके बाद जो लास्ट सर्विस रहती है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिकली यूज होती है कस्टमर्स एंड सप्लायर को डेटा प्रोवाइड कराने के लिए इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस यूज होते हैं हमारे ई e कॉमर्स के एप्लीकेशन हैं जो फाइव टाइप्स के एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है हमारा ई कॉमर्स फर्स्ट होता है पीपल मीन्स पर्सन सेकेंड होता है पब्लिक पॉलिसी थर्ड होता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट फोर्थ होता है सपोर्ट सर्विस और लास्ट होता है बिजनेस पार्टनरशिप मीन्स ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के थ्रू हम पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ को पब्लिकली शो कर सकते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपना फीचर्स प्रोडक्ट फीचर्स दिखा सकते हैं सपोर्ट सर्विसेज मीन्स किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप मीन्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करके एक न्यू फीचर को लॉन्च कर सकते हैं हेयर इज़ द आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क देखिए इसमें जो अभी हमने पढ़ा पीपल पब्लिक पॉलिसी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या होता है वो डिफाइन है सपोर्ट सर्विसेज के थ्रू क्या क्या हम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं अपने ई e कॉमर्स में और किस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं वो डिफाइन है सो so, ये आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क हर ईयर एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही ईजी है यदि आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप इसको थ्योरी क्लास में मुझसे क्लियर कीजिएगा आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या होता है बिज़नेस टू कस्टमर मॉडल क्या होता है और डिफरेंट टाइप के बिजनेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे अभी तक के लिए आज तक के लिए इतना ही थैंक यू